नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्ड माइन एस्ट्रोलॉजी चैनल और मैं तकराम ठाकरे आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, बहुत से भाई कुंडली बनाने के लिए कमेंट तो कर रहे लेकिन उसमें बहुत सी मिस्टेक कर रहे। वो ऐसे कि कोई टाइम नहीं भी बराबर डाल रहा है, कोई टाइम डालना भूल जा रहा है, तो कोई प्लेस डालना भूल जा रहा है। ऐसा मत कीजिए। अगर आपको वाकई में कुंडली बनाकर चाहिए तो आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ करेक्ट लिखिए। और मैंने अगली वीडियो में बताया था कि आपका व्हाट्सएप नंबर दीजिए। व्हाट्सएप नंबर से बेहतर है आप आपकी ईमेल आईडी दीजिए। उससे बहुत आसानी से आप तक आपकी जो कुंडली है पीडीएफ में कन्वर्ट की हुई वो आप तक पहुंचा सकता हो। सो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में। सूर्य ग्रहण कौन से ग्रह योग के कारण होता है और उसके शुभ और अशुभ परिणाम क्या है। फ्रेंड्स, सूर्य ग्रहण आपने देखा होगा, सूर्य से ही पूरी दुनिया जागती है और सूर्य से ही पूरी दुनिया सोती है। तो सूर्य इतना इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, ग्रह है। सूर्य हमारी आत्मा है, सूर्य हमारे शरीर की चेतना है, सूर्य पूरे बदन का मालिक भी गिना जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर कुंडली के अंदर सूर्य ग्रहण होगा तो सोचिए क्या हालात होंगे। जिस तरह सूर्य ग्रहण के वक्त दिन में अंधेरा हो जाता है, यही हालात वही इंसान के साथ होता है जिसकी कुंडली में सूर्य ग्रहण हो। यानी उसको ये पता ही नहीं चलेगा कि मुझे आगे क्या करना है या क्या नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत है। मतलब उसकी जिंदगी में अप एंड डाउन चलता ही रहेगा, झूले की तरह झूलता ही रहेगा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। मतलब जो स्मूथ लाइफ चाहिए वो नहीं जी पाते, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसे व्यक्तियों के एक्सीडेंट या फिर लड़ाई झगड़े काफी होते हैं और उसी के चलते कहीं ना कहीं बॉडी पर चोट आती ही आती है। सूर्य ग्रहण ये ऐसा योग है, ये राजकारण यानी पॉलिटिक्स छोड़ा तो कहीं भी अच्छी तरह से काम नहीं करता। तो सूर्य ग्रहण किन ग्रह योगों के कारण होता है ये पहले जान लेते हैं। सूर्य, आप तो पहले समझ गए सूर्य को ग्रहण, यानी सूर्य तो आ गया, दूसरा कौन सा ग्रह है। जब भी कुंडली के अंदर सूर्य और राहु की युति कुंडली के 12 घरों में कहीं भी हो, वो सूर्य ग्रहण कहलाएगा। यानी ऐसे व्यक्ति को उसकी उम्र के 2 साल से 22 साल तक सूर्य ग्रहण का जो अशुभ प्रभाव है वो आ सकता है। डिपेंड करता है कुंडली के ऊपर कि कुंडली के बाकी के हालात कैसे है, सूर्य को कोई ग्रह सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, ये भी देखना जरूरी होता है। सूर्य ग्रहण ये इतना खराब है कि आपको चैन से जीने नहीं देगा। यानी जब भी आप कहीं ना कहीं ऊपर गए, आपको लगा कि हाँ कुछ होने लगा है, वही वक्त पर राहु ऐसी चोट मारेगा, ऐसी खराबियां पैदा कर देगा कि जो आप करना चाहते थे, जो आपने पाया है वो सब खत्म हो जाता है। यानी जो आपका इम्पैक्ट है, जो आपका प्रभाव है वो खत्म हो जाता है। जो आपने इकट्ठी की हुई चीजें है वो आपसे चली जाती है, या फिर कई बार इसी के चलते आपसे आपके पिताजी के उम्र दर्ज लोगों से रिलेशन नहीं बना पाते, उनसे हमेशा अनबनी रहती है। सूर्य ग्रहण राहु और सूर्य की युति की वजह से होता है। ये सिर्फ 5वें घर एक्सेप्टेबल होता है क्योंकि 5वां घर खुद सूर्य का है और वहां पर राहु की जो पावर है वो कम चलती है। और वहां पे अगर सूर्य बैठा हो तो सूर्य के घर में राहु दादागिरी तो नहीं कर सकता,
इसलिए यह घर एक्सेप्टेबल है। इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं बुध और शुक्र अगर आपकी कुंडली के अंदर अच्छे घर में बैठे हो और उनकी जो अवस्था हो शुभ हो, उनकी पोजीशन शुभ हो, तो बुध और शुक्र से सूर्य बनता है। अगर ऐसा योग होगा तो हो सकता है आपको सूर्य ग्रहण का जो ये अरसा है, जो अशुभ प्रभाव है, एक कम हो, इसका परिणाम आपके ऊपर कम आए, लेकिन कुंडली देखने के बाद ही ये तय किया जा सकता है। तो सूर्य ग्रहण से कैसे बचे, देखिए दोस्तों, सूर्य ग्रहण यानी राहु सूर्य की युति, सूर्य को जब भी राहु टक्कर देगा या राहु सूर्य को जब भी कमजोर करेगा तभी आपको इसका अशुभ प्रभाव आएगा, नहीं तो इसका आपको अशुभ प्रभाव कभी नहीं आएगा। सिंपल है, जब तक राहु सूर्य को दबाता नहीं, जब तक राहु सूर्य को कमजोर नहीं करता, तब तक ये योग फलित नहीं होगा। इसीलिए आपको हमेशा सूर्य को मजबूत करना है। तो सूर्य को मजबूत कैसे करें? सबसे पहले पिताजी से अनबन ना करें, पिताजी के उम्रदराज लोगों से कभी गलत भाषा में व्यवहार ना करें, कभी गलत व्यवहार ना करें, और साथ साथ सूर्य उदय से पहले उठने की कोशिश करें, साथ साथ सूर्य उदय से पहले उठने की कोशिश करें और काले नीले कपड़ों से परहेज रखें, काले और नीले कपड़ों से परहेज रखें। इससे होएगा ये कि काला शनि का कलर है और नीला राहु का कलर है, तो जब ये निगेटिव एनर्जी आपके पास आएगी नहीं तो इससे सूर्य आपका कमजोर नहीं होएगा, और सूर्य कमजोर नहीं होएगा तो राहु सूर्य को दबाएगा नहीं। और हमेशा हल्के हल्के कलर के कपड़े पहने, हो सके थोड़े लाल और मरून कलर यूज करें तो बेटर होगा, और जो आपका नैपकिन है, जो आप नैपकिन यूज करते होंगे मुंह पोछने के लिए, वो रेड कलर का यूज करें तो और बेहतर होगा, क्योंकि हमारा जो मुंह होता है वो होता है राहु। सो अगर आप रेड कलर का नैपकिन यूज करोगे तो आपका जो राहु है वो दबेगा, वो दबेगा ऐसे क्योंकि रेड मंगल होता है और राहु मंगल से दबता है। तो इसी के साथ साथ जो सूर्य ग्रहण का मेन रेमेडीज है वो ये है, जिन लोगों को काफी तकलीफ आ रही है वो ये करे कि तांबे का पैसा जो पुराने जमाने में हम यूज करते थे, हमारे दादा परदादा यूज करते थे, तांबे का पैसा ले ले और उस तांबे के पैसे को जो घमेला होता है, जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उसका जो लोहे का घमेला होता है वो घमेला ले लीजिए और उसको मिट्टी का लेप लगाकर, ध्यान से सुनिए, लोहे का घमेला लेकर मिट्टी का लेप लगाकर कच्चे कोयले में सारी रात जलाना है और सुबह 4:30 बजे से पहले इसे जल प्रवाह करना है। लोहे का घमेला लेना है, यानी लोहे का बर्तन लेना है, उसको मिट्टी का लेप लगाना है, कच्चा कोयला लाना है और रात 11 बजे से सुबह 4:30 बजे तक कच्चे कोयले के अंदर जलाकर 4:30 बजे तक इसे जल प्रवाह करना है। अब कैसे करें? आपने घमेला ले लिया, मिट्टी का लेप लगा लिया, कच्चा कोयला लेके आए, उसी के साथ साथ कपूर और घी का डिब्बा भी लेके आए, इसको कपूर और घी कपूर से जलाकर घी की उसको आहुति देनी है, और जब ये पूरा कोयला जल जाए, 11 बजे आप स्टार्ट करेंगे, 12, 12:30, 1 बजे तक ये पूरा जल जाएगा, उसमें वो तांबे का पैसा डाल दे, ध्यान रहे वो तांबे का पैसा उसमें ध्यान डाल दे और 3 बजे तक इसको जलाए उस कोयले के अंदर। ध्यान रहे कि आप कहीं उठ के ना जाए, वहीं बैठना चाहिए, और जब 3 बजे के बाद इसको छोड़ दे कि ये हल्का हल्का ठंडा होना चाहिए, जब इसको 3 बजे से छोड़ देंगे तो 4:15 बजे तक ठंडा हो जाएगा और 4:30 बजे तक आप इसको जल प्रवाह कर दे, ज्यादा ज्यादा आप 5 बजे तक, इससे लेट मत करना। तो जब आप ये लेकर जल प्रवाह करने जाएंगे तो ध्यान रहे कि आपका कोई खून का रिश्तेदार रास्ते में ना आए, इसकी ये चीज की अवश्य ध्यान रखना।
नहीं तो कुछ ना कुछ बीमारियां होने की चांसेस होती है। तो ये सूर्य ग्रहण का सबसे मेन उपाय है, ये सूर्य ग्रहण का सबसे मेन उपाय है। तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन ये उपाय वही कर सकता है जिसकी कुंडली के अंदर सूर्य ग्रहण हो, बराबर। तो इसके बाद जब आप एक चीज करोगे तो किसी को बताओ मत कि आपने ऐसा ऐसा रेमेडीज किया हुआ है, नहीं तो इसका असर नहीं होता है। और ये चीज करते वक्त आपके घर वालों को एक साइड में रख दे, घर वाले बीच में ना आना चाहिए। और जल प्रवाह करने से पहले जब भी आप जाएंगे घर से, तो एक तो माथे पे लगा लीजिए या फिर सर से उल्टा 7 बार वार कर जल प्रवाह कर दीजिए। और उधर से आने के बाद पानी से मुंह हाथ धोकर ही घर में एंट्री कीजिए, इतना अवश्य कीजिए। डायरेक्ट घर के अंदर एंट्री ना करें, इस चीज का ध्यान रखिए। उम्मीद है आप लोगों को सूर्य ग्रहण की रेमेडीज और जो उसका असर है समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी हर एक जानकारी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज कमेंट्स अवश्य कीजिए। कमेंट्स करोगे तो हमें और ताकत मिलती है, और नई नई चीजें आपके लिए अलग अलग चीज लेके आएंगे। इसीलिए आपका कमेंट्स आना जरूरी है। उसके साथ साथ हमारी वीडियो शेयर कीजिए, हमारे वीडियोज को लाइक कीजिए और हमारा चैनल अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली आने वाली नोटिफिकेशन आप तक आ सके और उस जानकारी का आपको फायदा हो सके। कहीं आपका आपको ना हो लेकिन आपके कोई रिश्तेदार को भी हो सकता है, तो इसीलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाए, यानी नोटिफिकेशन। तो उम्मीद है दोस्तों आपको अवश्य हमारी जानकारी पसंद आई होगी। तो इसी के साथ साथ हम आपसे विदा लेते हैं।